Mangalam, Mangalam. Om Mangalam, Mangalam. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया में। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको ये J2 कोर मॉडल, जो कि सैमसंग की एक कोट इंडियन सिम कार्ड ओनली। साथ में बॉक्स का कलर एकदम मिल जाता है नीला, मानो कि जैसे आसमान से ही टपका हो। और मैं चाहता हूँ कि प्राइस को लेके आपको मैं देरी ना करूँ बताने में, तो इसे खरीदने में चुकाने होंगे आपको सिर्फ 6190 रुपए, जो कि घुमा फिरा के हो जाती है 6200 रुपए। मिल जाती है 5 इंच की डिस्प्ले के साथ 8.5 की कैमरा। तो कम से कम भाषण दिए मैंने इसे कर दिया अनबॉक्सिंग, तो फोन की लुक देखने में है कुछ ऐसा। तो मैं इसे रैपर से निकालता हूँ और फिर बताता हूँ। तो बाहर से लुक ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैमसंग लिखा हुआ, जैसे कि सैमसंग के बाकी नॉर्मल फोन में आपको बटन मिलते हैं, होम बटन, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। इसकी बैकग्राउंड की कलर नीला और आगे की कलर है काला, काला नीला का मिक्सचर। इस मिक्सचर के बाद हम लोग देखेंगे कि बॉक्स में क्या क्या मिक्सचर मिलता है। तो चार्जर, केबल और बैटरी के अलावा कंपनी ने इसमें कुछ नहीं दिया है। हालांकि कंपनी यहाँ पे सोच रही होगी कि मैंने हेडफोन नहीं देखी, बहुत बड़ी चालाकी की है, लेकिन भाई साहब ने खुद की ले ली। जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे होम बटन नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 सॉफ्ट कीज, जो कि होंगी सैमसंग के लिखे हुए के ऊपर। और ये क्या दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग लिख के कंपनी वालों ने ये शो कर दिया कि इस फोन को उल्टा ही पैदा किया गया है। तो बैक साइड में आपको ये जो है काफी प्लास्टिक की ही फिनिश मिलती है। यहाँ पे आपको स्पीकर, कैमरा और सैमसंग लिखा हुआ। ओल्ड मॉडल की डिजाइन की बात करो तो इसमें वही चीज है, वॉल्यूम अप डाउन की बटन और साइड में आपको यहाँ पे पावर लॉक और ऑन ऑफ की बटन भी मिल जाती है। फोन के निचले हिस्से में आपको मिल जाता है माइक्रो यूएसबी चार्जर के साथ 3.5 mm की जैक, जो कि बिल्कुल भी नया नहीं चीज नहीं है। तो इसे खोलते ही बिना समय गवाए अंदर की नजारा देखिए तो बिल्कुल ही पुराना दिया हुआ है। स्क्वायर शेप बैटरी और बाकी सिम कार्ड मेमोरी कार्ड क्या क्या होता है। तो ऑन करने के बाद आपका फोन देखता है कुछ ऐसा। और इसमें हम लोग झट से बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज और रैम की। तो सिस्टम में जाकर हम लोग देखते हैं अबाउट फ़ोन में, तो फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है, आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो है एंड्रॉयड ओरियो का जो गो वर्जन है, जियो वर्जन है। तो ये गो वर्जन हालांकि इस फ़ोन पे टेस्टिंग के लिए ही दिया गया है, हालांकि ये देखने के लिए कि कैसा चलता है, इसीलिए इसका गो वर्जन है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मेमोरी की। तो इसकी मेमोरी जो कहने के लिए 8 GB है, लेकिन ये यूज के लिए आपको सिर्फ 3 GB यूज कर सकते हैं। 3.1 हालांकि यहाँ पे दिख रहा है आपको। इतना पे करने के बावजूद भी आपको रैम जो है इसकी बहुत कम मिल जाती है, जो कि है 1 GB, लेकिन यूजेज में आपको सिर्फ 479 MB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत कम है एक एंड्रॉयड फोन के लिए। प्राइस में यदि आप मूव करते हैं किसी दूसरी कंपनी की ओर, दूसरी ब्रांड की ओर, तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 GB रैम मिल जाए अदर ब्रांड की। मैं कोई पर्सनली कोई ब्रांड को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी रैम जो है वाकई बहुत कम दे रहा है। इतना पैसा लेने के बावजूद भी कंपनी जो है हमें सी बना रही है। तो मैं इसे इस प्रोडक्ट को ना ही प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही इस फ़ोन की लेआउट जो है ओल्ड मॉडल की ही तरह दिया गया है, जैसे कि हम लोग नीचे स्लाइड करके बाकी सारे ऐप्स ओपन करके देखते थे। 8.5 की कैमरा जो कि खास नहीं होती है, आपने बाकी सैमसंग की फ़ोन में भी देखे होंगे, तो इसकी कैमरा भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल इसी ही है। तो इस नीला मेंढक कि हम लोग यदि बात करें सिक्योरिटी की, तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका लॉक स्क्रीन और सिक्योरिटी में भी देख लेते हैं। देख सकते हैं ओल्ड मॉडल सैमसंग की ही तरह इसमें सारे सिस्टम दिए गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो ओरियो का गो वर्जन है, इसलिए सारे ऐप जो इसके हैं सारे में गो लगा हुआ है, जी ओ। तो ये गो के साथ ये फ़ोन एकदम गो ही हो जाता है, मतलब कि गया गुजरा फ़ोन ये बन जाता है। हालाँकि ये टेस्टिंग के लिए ही इस फ़ोन का यूज किया गया, ताकि कस्टमर ले और अपने पैसे को किसी गलत डायरेक्शन में दे। हालांकि YouTube का भी ये गो का वर्जन है। फाइल को आप जिप कर सकते हैं, बहुत सारे ओल्ड फ़ोन में भी हम लोग फाइल को जिप कर सकते हैं। भाई साहब, ये आपने कोई नया फीचर्स नहीं दिया है, मैं सैमसंग को ये बात बताना चाहूँगा। साथ में आप हमारे विजिटर्स हैं, तो आपको ही मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एंड्रॉयड की ओरियो की ओरिजिनल वर्जन नहीं है, गो वर्जन है, जो कि एक टेस्टिंग के लिए इस फ़ोन में दिया गया। यदि कामयाब हुई तो सैमसंग के बाकी फ़ोन में भी मिल जाएगा, या फिर इसी में आपको अपडेशन मिल जाएगा। हमारे तरफ से इस फ़ोन को मिलती है 5 में से 2.5 स्टार्स, जो कि एवरेज में है इसके लुक की वजह से। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आया हो। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, जो कि होगी टेक्निकल रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।